हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज है जी 12 तारीख, 12 मार्च और बुधवार है आज। तो देखिए, सुबह सुबह व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है। हेलो जी, आप सबको सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी है जी मॉर्निंग का टाइम, तो चलिए आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो जी जो नए आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। तो अभी जा रही हूँ मैं काव शहर दूध निकालने, तो चलते हैं। मुर्गे निकल गए सुबह सुबह बाहर, और एक पता नहीं कहाँ है, अंदर ही होगी शायद से। हाँ, दूसरी यहाँ से आ रही है और ये बैठी हुई है। ये पहले ही अपनी ड्यूटी के लिए खड़ी हो जाती है। तो मैं दूध निकाल देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, मुर्गे के लिए बना दिया हमने यहाँ पे। पहले यहाँ पे लकड़ियाँ थी और अब हमने हटा के हम मुर्गों के लिए कर दिया। इसमें बैठते हैं और यहाँ पे पानी रखा है इनके लिए। सॉरी गाइज, मैंने आज 12 तारीख बोला, आज 13 तारीख है, 13 मार्च है। तो मैं हमेशा ही गलत बोलती, याद नहीं रहती मुझे। तो अभी देखा मैंने 13 है। तो पहले मैं दूध निकाल देती हूँ गाय का। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ अभी बगीचे में। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो देखिए जी, अभी है जी टाइम 8 बजे का। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बगीचे में थोड़ी सी छींटे रह गई थी हमारी उठाने को, घर के ऊपर को, तो वो उठा देते हैं अभी। तो कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए। तो जी मैं वापस आ गई अभी घर, क्योंकि कपड़े धूप में डालने को रह गए थे। तो अब डाल के फिर जाती हूँ मैं अभी बगीचे में काम करने, क्योंकि हमारा जो घर है वो बगीचे में ही है। और यहाँ पे देखिए, अभी मुर्गों को भी मैंने दाना डाल दिया है और गाय भी बाहर छोड़ दी है। तो देखिए ये भी अपना चुगते रहेंगे दाना। तो यहीं पर मैं साथ में अभी काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरे देवर साफ़ कर रहे हैं एप्पल के पेड़ के नीचे। तो अब मैं भी करना स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर सारा इकट्ठे कर लिया है और अब मैं करती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे बहुत से काम है अभी घर पे भी। लंच भी तैयार करना है अभी, क्योंकि आज हमारे जो एप्पल के पेड़ है उसमें हम कलम भी कर रहे हैं। वो भैया भी है कलम करने वाले, तो उनको भी लंच तैयार करना है। तो देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए यहाँ पे। अभी आ गई हूँ मैं घर, तो अब बनाती हूँ मैं लंच। लंच की तैयारी, ये देखिए मैंने दाढ़ चढ़ाई थी इसमें आग के चूल्हे के ऊपर, तो आराम से पक रही है। तो मैं फटाफट से छौंके की तैयारी करती हूँ, गैस के ऊपर लगाती हूँ, फिर मैं चावल चढ़ाती हूँ और रोटी बनाती हूँ सबको, क्योंकि काम कर रहे हैं आज सारे। बस व्यू को बुलाती हूँ बाहर से मैं, क्योंकि उसके लिए मैंने पानी गर्म करने को लगाया था। देखिए पानी भी गर्म हो गया, अब उसको भी नहलाती हूँ व्यू को। वो है काव शेड के पास, गाय के खुट के पास गया, उसको बुलाती हूँ नहाने के लिए। मैंने बोला मुर्गी की चौकीदारी कर। तो ये मेरे दो डॉगी है, इनको भी बांध लेती हूँ मैं और ये चौकीदारी करते हैं और भौंकते रहते हैं। ये पानी के लिए बनाया है, खड्डे में डाला आपने डब्बा, है ना। तो इसको फेंक भी नहीं सकते, नहीं तो नीचे फेंक देते सारे डब्बे अपने बगीचे में, कहाँ कहाँ फेंके हैं इन दोनों ने। तो बांध ली तीन दोनों को। अभी हो गया है 11:30। तो देखिए मुर्गी भी चुग रही है और गाय वहाँ पे, अभी हूँ गाय बे भी हूँ ऊपर, देखो ऊपर बैठे हो, चलो नहाने चलो। हाँ जी क्यों। और गाइस, हम सुबह ही उठ जाते हैं काम के टाइम, तो फिर अपना जो भी काम रहता है ना उसके लिए निकल जाते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करके। तो अभी हम बगीचे से आ गए, 11:30 हो चुके हैं। बस मैं ही आई हूँ लंच तैयार करना है और व्यू को नहलाना है। तो मुर्गे भी खोले मैंने, गाय भी खोली है, और आज हम एप्पल के पेड़ों में कलम भी कर रहे हैं, तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो उनके साथ मेरे हस्बैंड है, तो हम मेरे देर और मैं ऊपर थे बगीचे में। तो अभी तो वो अकेले ही छींटे उठा रहे, तो मैं घर आ गई। तो चलिए कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइज, यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ दाल में। तो देखिए बस छौंका भी लग के तैयार हो चुका है दाल का। तो बस अब मैं दाल डालते हैं और मैं व्यू को उसके बाद नहलाती हूँ। तो देखिए दाल भी बनकर तैयार हो चुकी है, चावल भी बन गया है, बस रोटी बनानी है मुझे व्यू को नहलाकर। तो चलते अब व्यू को बुलाती हूँ। तो यहाँ पर पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी, इस वजह से मुझे वॉइस ही ओवर करनी पड़ रही है। देखिए व्यू के कपड़े मैं खोल देती हूँ, अब इसको नहला देती हूँ। तो काफ़ी खुश रहता है नहाने के लिए ये। सो गाइज, यहाँ पर देखिए व्यू को भी मैंने नहला दिया है अभी। तो अभी लंच का टाइम भी हो चुका है, तो बस वो लोग भी आने वाले हैं लंच करने। तो मैंने सोचा पहले व्यू को नहला देती हूँ, क्योंकि लंच के बाद ये सो जाता है लंच करने के बाद, तो उससे पहले ही मैं इसको नहला देती हूँ। तो काफ़ी मस्ती कर रहा था गाइज, क्योंकि इसको पता है वीडियो बन रही है। तो बस साथ में मैंने इसको कपड़े भी पहना दिए। तो बहुत ज़्यादा काम रहता है गाइज बच्चों के साथ भी, तो बस मेरा ये फ्री हो गया ये वाला काम। तो देखिए लंच कर रहे हम लोग, तो यहाँ पर लंच बन चुका है मेरा, तो इनको खिला देती हूँ। तो लंच के बाद मैंने चाय भी इनको
पिला दी है, तो फिर इन्होंने बगीचे में जाना है। तो चलिए इनको चाय देते हैं, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इनके पीछे पीछे मैं भी अभी बगीचे में पहुँच चुकी हूँ, तो सारा काम निपटा के घर का। तो देखिए यहाँ पर ये कलम कर रहे हैं, एप्पल के जो कलम लाया है ना, तो ये वाले कलम मेरे मायके से दिए है मेरे भाई ने। तो देखिए इसकी कलम लगा रहे हैं, इसमें न्यू पेड़ बनाएंगे इसको, जो छोटे छोटे पौधे, तो उसने सब में हमने ये वाली कलमें लगाई है। नाम तो मुझे याद नहीं आ रही है कौन सी वैरायटी है। तो यहाँ पर देखिए ये गोल्डन का पेड़ था, तो इसकी जितने भी जो नीचे के टहने हैं वो हमने सारे काट लिए, तो एक जैसे ही कलम हम सारे इस वाले खेत में लगा रहे हैं। तो चाय तो बन गई, चाय पिला देती, फिर बच्चों को लेने जाना पड़ेगा। वाइट ही कर दिया ये, अभी अभी 5 मिनट लिए हुए है, पूरा वाइट कर दिया है बर्फ में। देखिए तो जी यहाँ पर हो रही है अभी डिनर की तैयारी, तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ गाइज। तो आयु भी यहीं पर बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, तो इसको भी बीच बीच में बताना पड़ता है, तो तभी इसको साथ ही बिठा देती हूँ मैं, और साथ में खाना बनाती हूँ बैठ कर आग के चूल्हे में। तो काफ़ी यमी बनता है आग के चूल्हे में गाइज खाना। तो व्यू भी यहाँ पर साथ में घूम रहा है और अपना दूध पी रहा है बॉटल लेके। सो गाइज मेरा डिनर बनकर तैयार हो चुका है, तो अभी तो हमने डिनर किया नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है बनाकर, और मुझे गर्मी लग रही थी खाना बनाते हुए, तो आग काफ़ी जली है तो गर्म है सारी किचन। तो आयु भी अभी अपना होमवर्क कर रहा है, क्योंकि लाइट नहीं थी तो अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है, तो मैंने कहा पहले होमवर्क फिनिश कर लो आप, फिर उसके बाद ही हम डिनर करेंगे। तो मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है। तो आशा करती हूँ आज का ये मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो मुझे फॉलो भी करिए, कमेंट भी करिए। तो ओके बाय, अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी।